हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। इसी कड़ी में नारनौल विधानसभा से भाजपा के कैलाश सैनी ने ताल ठोक दी है। कैलाश सैनी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चला रही है। मैं दीपेंद्र हुड्डा से और भूपेंद्र हुड्डा से ये पूछना चाहता हूं कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना हिसाब दें। कैलाश सैनी ने बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब एक ही क्षेत्र में काम हुए, नौकरी लगी तो रोहतक में लगी, विकास का काम हुआ तो रोहतक में हुआ, नौकरियां लगती थी तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से किस बात का हिसाब मांग रहे हैं? हिसाब हम जनता को देंगे। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते 70 सीट आ जाएगी, पिछले सालों का हिसाब ठक के देखे पब्लिक क्या काम किया है। और संकट तो ये अपने पूरा ना तो आज तक कांग्रेस में 5 सालों में 10 सालों में ना तो इनके जिला अध्यक्ष बने, ना महामंत्री बने, ना इनके कोई भी पदकार नहीं बने। कांग्रेस में तो 68 है, किस किस को टिकट देंगे। और मैं तो हुड्डा साहब से ये कहना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ कि भाई ये आपस में तय कर लें कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेगा, इनकी तो आपस में लड़ाई है, पहले तो बाप बेटे तो कर लें। सर, मैं तो ये कहता हूँ कि जब जो पार्टी से कार्यकर्ता ही तैयार नहीं हो पाए वो क्या सरकार बनाएंगे? लूट के अलावा और कुछ काम नहीं करेंगे। पहले तो मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि ये अपने बाप बेटों की नहीं चल रही, इसमें बाप कहता है मैं मुख्यमंत्री, बेटा कहता है मैं मुख्यमंत्री, ये आपस में तय कर ले मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सर, मैं विकास यात्रा आज कांग्रेस कर रही है, मांग रही है, वो खुद तो हिसाब दे दो। पिछले दस सालों में उनकी सरकार रही है हुड्डा साहब की, उन 10 सालों में उसके अंदर रोहतक के अंदर ही काम किया है, दक्षिण हरियाणा में काम नहीं हुआ, पूरा हरियाणा में नहीं काम हुआ। हमारे से लो हिसाब, हमारी पार्टी हिसाब क्या, कार्यकर्ता हिसाब देंगे, जनता को जाकर हिसाब देंगे। महेंद्रगढ़ जिला एक बिछड़ा हुआ था, उनको एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किया सबसे बड़ा। नारनौल से चंडीगढ़ पहले 7-8 घंटे लगते थे, आज हमारे को 3-4 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। दूसरा कि कांग्रेस सरकार ने पहले राव धान सिंह मंत्री रहा, हमारे राव नरेंद्र मंत्री रहा, जो दादरी से महेंद्रगढ़ की सड़क थी, दो दो मंत्री होते भी हमारे महेंद्रगढ़ जिला में काम नहीं हुआ, खड्डे रहते थे सड़कों में। आज तक मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार को, राव नरेंद्र को, दान सिंह को, भी आपने कांग्रेस सरकार में हमारे दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला में क्या काम किया। मैं विकास कार्य की बात करता हूँ, उन्होंने क्या काम किया, अपनी ज़मीनें लेके की। आज दान सिंह की बात करते हैं तो घोटाला पकड़े जा रहे हैं दान सिंह का। कैलाश सैनी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्रगढ़ जिले में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है, सड़कों का जाल बिछाया हुआ है। आज अगर हम बात करें 10 साल पहले जब कांग्रेस की सत्ता थी तो चंडीगढ़ जाने में 5-6 घंटे लगते थे, आज 152D जो जोन नारनौल से चंडीगढ़ जाने में महज 3-4 घंटे लगते हैं। 152D का अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो महेंद्रगढ़ जिले को हुआ है और नारनौल विधानसभा क्षेत्र को हुआ है। वहीं कैलाश सैनी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी नारनौल से अगर उन्हें टिकट देती है तो वह चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि 2024 का जो विजन भारतीय जनता पार्टी का है उसी प्रकार से वह अगले 10 साल के विकास कार्य को गिनवाएंगे और आगे प्रगति देने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।